आज के वीडियो में मैं माचिस से जुड़े हुए उपाय आपको बता रही हूँ। माचिस अग्नि का प्रतिरूप होता है और अग्नि का अपमान नहीं करना चाहिए। ये पंच तत्वों में से एक होता है, तो इसको जानते हैं और इसके उपाय आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। माचिस के संबंध में बहुत खास बात आपको बता रही हूँ, जो कोई किसी ने आपको नहीं बताई होगी किसी वीडियो में, क्योंकि माचिस मंगल का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है, और माचिस को असावधानी से रखते हैं तो माचिस आपको श्राप देती है, क्योंकि माचिस का उपयोग सदा सही तरीके से करना चाहिए। माचिस गीली नहीं होनी चाहिए घर में। अगर माचिस घर में गीली है तो अग्नि के साथ जल का समावेश होता है और ये संयोग दुर्लभ होता है, लेकिन ये सही नहीं है, ये अशुभता को निमंत्रण देता है। दूसरी माचिस से संबंधित बात ये है कि माचिस कभी भी पंचक में नहीं लानी चाहिए। पंचक मतलब 5 दिन का अशुभ योग। शुभ भी होता है, अगर पंचक में आप जेवर खरीदते हैं तो वो शुभ होता है, पंचक में साड़ी खरीदते हैं तो शुभ होता है, लेकिन पंचक में छत से संबंधित काम नहीं करना चाहिए, लकड़ी से संबंधित काम नहीं करना चाहिए, और जितने भी अशुभ योग हैं उनका त्याग करना चाहिए। पंचक एक तरह से लकड़ी का काम पंचक में वर्जित होता है, तो माचिस पंचक में नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से लकड़ी ही है ये, तो पंचक में माचिस कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपके घर के बाहर कोई माचिस रखकर चला गया है तो ये अशुभ संयोग होता है, और इसको पाइप से पानी डालकर वो उस माचिस को अपने घर से दूर कर देना चाहिए। ऐसा करने से इस दोष का निवारण हो सकता है, क्योंकि शत्रुता निभाने के लिए कुछ लोग माचिस रख सकते हैं, और इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वीपर से या हाउस हेल्पर से कचरा जलाना अगर आपको पड़े तो पंचक में नहीं जलाना चाहिए। कचरा पंचक में जलाना अशुभ होता है। आइए माचिस का खास उपाय जानते हैं। माचिस से वशीकरण भी किया जा सकता है। माचिस ले लें और माचिस की जो तीलियां होती हैं उनको एक काले या नीले धागे से बांध कर रखें, और जिसको आपको वशीकरण करना है उसका नाम लेके बर्न कर दें, तो वो आपके उसका वशीकरण होता है और वो आपका गुलाम बन जाता है। माचिस की तीली को कभी भी पैर से नहीं बुझाना चाहिए, ये बहुत अशुभ संकेत होता है, क्योंकि अग्नि देवता का प्रतिरूप होता है माचिस, और माचिस की तीली को अगर आप पैर से बुझाते हैं तो अशुभ संकेत है ये, और ऐसा करने से मनहूसियत घर में आती है। माचिस को कभी भी फूंक से नहीं बुझाना चाहिए। अगर आप मोमबत्ती जला रहे हैं या दिया जला रहे हैं तो कभी भी माचिस फूंक से नहीं बुझानी चाहिए, ये भी अशुभ संकेत होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि ये जानकारी किसी से किसी के काम आ जाए तो आपका बहुत भला होगा। इसी प्रकार से कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में ज्योतिष संबंधी सवाल ना पूछें। ज्योतिष संबंधी सर्विस चार्जेबल है, अगर आप चार्जेस नहीं दे सकते तो कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भेजिए, किसी खास विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वीडियो, तो आपको कोई खर्चा भी नहीं होगा। वैसे हमारे ज्योतिषीय चार्जेस नॉमिनल होते हैं, मेरे हस्बैंड भी रेकी हीलर हैं, एंजल हीलर हैं, और लामा फेरा पे काम करते हैं। मैं ज्योतिषी हूँ और जन्म पत्री पर काम करती हूँ, पामिस्ट हूँ, पामिस्ट्री पर काम करती हूँ, और वास्तु दोष भी चेक करती हूँ। तो आप हमसे सर्विस ले सकते हैं ये, और ये सर्विस चार्जेबल है, और ये सर्विस लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।